तादीर इत्तेहाद के रहनुमा इस वक्त अतीक मीर बात कर रहे हैं उनसे, देखते हैं क्या कहना है उनका। वो तारीख का हिस्सा बन गया और आज कायदे तहरीक के लिए जब रब्ता कमेटी ने फैसला किया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ कायदे तहरीक के जानिसार साथी है बल्कि मुश्किल वक्त में कड़े वक्त में एक हिकमत बशीरत और दानिश बंदाना फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। मैं पूरी ताजी बरादरी की जानिब से अपने पूरे मोहल्ल कराची ताजी इत्तेहाद की जानिब से अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और जब तक कायदे तहरीक को उन दलीलों से निजात नहीं मिल जाती हम आपके साथ हैं। ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर धरने के शुरू से खिताब कर रहे थे और उनका कहना था कि हर मुश्किल वक्त में मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के साथ है। उन्होंने आज ये तारीखी फैसला किया और सिंध ताजिर इत्तेहाद पहले दिन से आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जब तक सेहतयाब नहीं होते, जब तक उनकी उन मामला से सबसे जान नहीं छूट जाती, जब तक इन लोगों ने जो गलत इल्जाम लगाए हैं कायदे तहरीक पे वो खत्म नहीं हो जाते, जब तक सिंध भर के ताजिर आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम यहाँ हर वक्त अपने महफूज लेके आएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे जब तक ये धंधे दिए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर और दीगर रहनुमा खिताब कर रहे थे धरने के शुरका से नुमाइश चौरंगी पर और उनका ये कहना था कि मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के साथ खड़े हैं, इस मुश्किल घड़ी में सिंध भर के ताजिर बरादरी एमक्यूएम के साथ है और जैसे ही उनको जो भी जरूरत होगी उनके शाना बशाना खड़े होंगे।